आपने कहीं ना कहीं डीजे रिमिक्स गाने तो ज़रूर से सुने होंगे, और आपने ये भी सोचा होगा कि इस तरह के गाने अपने एंड्रॉयड मोबाइल से कैसे रिमिक्स कर सकते हो। तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए, क्योंकि इस वीडियो में आपको किसी भी डीजे रिमिक्स गाने को अपने मोबाइल से मिक्सिंग करना सिखाने वाला हूँ। आपको वीडियो को पूरा एंड तक जरूर से देखो। सिंपली गाइस आपको एक ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा, उस ऐप से आप आसान तरीके से अपने एंड्रॉयड मोबाइल में आप किसी भी गाने को मिक्सिंग कर सकते हो बहुत अच्छे तरीके से। उसके लिए आपको वीडियो को एंड तक जरूर से देखना। सबसे अलग और यूनिक तरीका बताने वाला हूँ किसी भी गाने को मिक्सिंग करने का, तो आपको वीडियो को एंड तक जरूर से देखना। और वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो गाइस मैं मेरे मोबाइल की स्क्रीन पर चलता हूँ और आपको किसी भी गाने को मिक्सिंग करके दिखा देता हूँ मेरे फ़ोन की स्क्रीन पर। तो गाइस सिंपली मैं मेरे फ़ोन में प्ले स्टोर को ओपन कर लेता हूँ और उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आपको दिखा देता हूँ। सिंपली आपको अपने फ़ोन में प्ले स्टोर को ओपन कर लेना है, और प्ले स्टोर को ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर सर्च बॉक्स पे आ जाना, और आपको यहाँ पर सर्च कर लेना है सॉन्ग मेकर, जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है सॉन्ग मेकर। जैसे आप सर्च करोगे आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आ जाएगा। सिंपली गाइस आप देख सकते हैं इस एप्लीकेशन को, आपको इस ऐप को आपको डाउनलोड कर लेना अपने मोबाइल में, जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है ये वाले ऐप को, जैसे कि मेरे फ़ोन में मैंने पहले से डाउनलोड करके रखा है। तो आपको भी इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है, इसे ओपन कर लेना है। मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से आज की वीडियो में आपको गाने को मिक्सिंग करना सिखाने वाला हूँ, तो वीडियो को पूरा एंड तक जरूर से देखना। तो सिंपली गाइस मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। तो गाइस सिंपली आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस यहाँ पर खुल के आ जाएगा। तो सिंपली आपके सामने यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन खुल के आ जाएगा। सिंपली आपको यहाँ पर फर्स्ट नंबर पर एक ऑप्शन दिख रहा है न्यू का, इस पर ही आपको क्लिक करना है, अदर पर क्लिक नहीं करना है। जैसे न्यू पे आप क्लिक कर दें, जैसे मैं न्यू पे आपको क्लिक करके दिखा देता हूँ। जैसे मैं न्यू पे क्लिक करूँगा आपके सामने कुछ प्रोसेस चलना स्टार्ट हो जाएगी, तो इस प्रोसेस को आपको पूरा होने देना है। तब तक आप वीडियो को लाइक कर दो। तो गाइस आपको यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना है, उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आ जाएगा। तो गाइस आप देख सकते हैं आपके सामने यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन खुल के आ जाए। सिंपली गाने को मिक्सिंग करने के लिए आपको करना क्या है, सिंपली आपको यहाँ पर जो फर्स्ट नंबर पर प्लस का ऑप्शन दिख रहा है इस पर आपको क्लिक कर लेना है। जिसे फर्स्ट नंबर के प्लस के ऑप्शन पे क्लिक करोगे आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस यहाँ पर खुल के आ जाएगा। सिंपली आपको करना क्या है, आपको यहाँ पर अपने फ़ोन की गैलरी में से अपने म्यूज़िक को सिलेक्ट कर लेना है। तो गाइस आपको म्यूज़िक को सिलेक्ट करने के लिए आपको करना क्या दिख रहा है लोकल फाइल का, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। सिंपली इस पर क्लिक करने के लिए इस पर जैसे ही सिंपली आप क्लिक करोगे उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस यहाँ पर खुल के आ जाएगा। तो गाइस देख सकते जैसे कि आप मेरे फ़ोन में एक ही गाना है तो आपके सामने यहाँ पर ये गाना आ जाएगा। जो आपके फ़ोन में जितने भी गाने होंगे आपको यहाँ पर सारे दिखाई दे देंगे। तो सिंपली आपको यहाँ पर जितने भी आपको जिस गाने को आप मिक्सिंग करना चाहते हो उस गाने को यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो, या फिर आप यहाँ से रिकॉर्ड भी कर सकते हो किसी भी गाने को। सिंपली गाइस जैसे कि मैं इस गाने को यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ इस गाने पर, उसके बाद गाइस आप यहाँ से प्ले भी कर सकते हो। उसके बाद आपको सिंपली करना क्या है, आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिख जाएगा यूज़ का। सिंपली आप जैसे कि आपको स्क्रीन पर एक ऑप्शन दिख रहा है यूज़ का, सिंपली आप यूज़ पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे मैं यूज़ पे क्लिक कर देता हूँ, जैसे आप यूज़ पे क्लिक कर दोगे वाला सॉन्ग हमारा यहाँ पर ऐड हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से आप प्ले करके भी सुन सकते हो, जैसे कि आपको प्ले करने के लिए आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिख जाएगा ऊपर, ऊपर देख सकते हैं यहाँ पर आपको प्ले का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ से आप प्ले भी कर सकते हो। तो इसको गाने को मिक्सिंग करने के लिए सबसे पहला काम आपको करना क्या है, आपको जो हमने गाना सिलेक्ट किया आप देख सकते हैं यहाँ पर आ चुका है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ये गाना आ चुका है। तो इस पर आपको दो बार क्लिक कर लेना है, जैसे कि मैं दो बार क्लिक कर लेता हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरह का ऑप्शन यहाँ पर खुल के आ जाएगा। सिंपली आपको वीडियो को यहाँ पर ध्यान से देखना, तभी आप अच्छे तरीके से गाने को मिक्सिंग कर पाओगे। सिंपली गाइस आपको जो फर्स्ट नंबर पे दिख रहा है रेट इन का, तो गाइस इसे आप यहाँ से बड़ा आपको आपके हिसाब से कर लेना है। उसके बाद आपको नीचे ले चलना है, और आपको गाइस आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिख जाएगा वॉल्यूम, अगर आपकी गाने की आवाज़ कम है तो इसे आपको यहाँ से फुल कर देना है, जैसे कि मैं यहाँ पर फुल कर देता हूँ। उसके बाद आपको फिर से यहाँ पर बैक चले आना है। तो गाइस जैसे कि मैं बैक आ चुका हूँ, उसके बाद अपने गाने को यहाँ पर सुन भी सकते हो कि आवाज़ बड़ी या नहीं। तो गाइस जैसे कि मेरे फ़ोन में माइक लगा है तो आपको आवाज़ नहीं आती, फिर भी मैं आपको एक बार प्ले करके एक बार सुना देता हूँ। तुम मिले दिल, तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं ये वाला गाना मैंने खुद में अपनी खुद की आवाज़ में रिकॉर्ड किया था, आपको अच्छे तरीके से नहीं सुनाई देता होगा। तो गाइस इस गाने को एडिट करने के यानी कि इफेक्ट लगाना चाहते हो उस गाने में, डीजे मिक्सिंग के इफेक्ट लगाना चाहते हो, उसके लिए आपको करना क्या, फिर से आपको सेकंड नंबर का जो ऑप्शन दिख रहा है प्लस का, सिंपली आपको सेकंड नंबर वाले प्लस पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे मैं सेकंड नंबर वाले प्लस पे क्लिक कर देता हूँ, इस तरह का इंटरफेस खुल के आ जाए, पर एक ऑप्शन दिख रहा है बैक टू लाइब्रेरी, इस पर आपको क्लिक कर देना। जैसे इस पर क्लिक करोगे आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन खुल के आ जाएंगे, आपको डीजे मिक्सिंग के बहुत सारे इफेक्ट यहाँ पर। सिंपली आपके सामने एक ऐड आ जाएगा, उस ऐड को आपको पूरा देख लेना है, आपके हिसाब से किसी भी इफेक्ट को आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको यहाँ पर बेस वाला इफेक्ट सिलेक्ट कर लेता हूँ, इस पर क्लिक कर लेना। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर प्ले करके करके आप सुन भी सकते हैं कि इस इफेक्ट को आप लगाना चाहते हो। जैसे कि मैं ये वाला इफेक्ट लगाना चाहता हूँ, इस पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे इस पर क्लिक करता हूँ उसके बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिख जाएगा
व्यूज से, और सेकंड नंबर पे रिव्यू यानी कि प्ले भी करके सुन भी सकते हो। तो गाइस जैसे कि मैं इसको सीधा आपको यूज़ करके दिखा देता हूँ, सिंपली यूज़ पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे मैं यूज़ पे क्लिक करूँगा देख सकते हो ये वाला इफेक्ट यहाँ पर आ चुका है। उसके बाद आपको इसको यहाँ से क्रॉप भी कर सकते हो, आगे पीछे भी आपको यहाँ पर आपके गाने के हिसाब से इसको आगे पीछे भी ले जा सकते हो हाथों से। तो आपके हिसाब से यहाँ पर सिलेक्ट कलर, जैसे कि मैं इस जगह पर रख लेता हूँ, आपके हिसाब से यहाँ पर रख सकते हो। उसके बाद इस पर दो बार फिर से आप क्लिक करोगे, इस पर क्लिक कर देना है। जैसे इस पर दो बार क्लिक करोगे तो आपके सामने भी इस तरह का ऑप्शन खुल के आ जाए। तो इसका भी आप वॉल्यूम ज़्यादा कम कर सकते हो, यहाँ से आप कुछ इस तरह से आपके हिसाब से यहाँ पर कम ज़्यादा कर सकते हो। तो गाइस कुछ इस तरह से मैं कर लेता हूँ, इसका वॉल्यूम मैं कम कर लेता हूँ, जैसे मैं कुछ इतना यहाँ पर रख लेता हूँ। अब मेरे हिसाब से आपके गाने के हिसाब से यहाँ पर वॉल्यूम रख लेना है। उसके बाद गाइस आप यहाँ से इसको प्ले भी करके यहाँ से सुन सकते हो कि गाने की आवाज़ किस तरह की, इफेक्ट की आवाज़ किस तरह की ये। उसके बाद आपको फिर से बैक चले आना है। उसके बाद गाइस आप इस यहाँ से कॉपी भी कर सकते हो, अपने गाने में किस जगह लगाना चाहते हो। आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिख रहा है क्रॉप का, इस पर क्लिक करके आप कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो। तो गाइस जैसे कि मुझे कॉपी यहाँ पर नहीं करना है तो मैं इसको रहने देता हूँ। तो उसके बाद सिंपली आपको फिर से आपको यहाँ पर थर्ड नंबर पर एक ऑप्शन दिख रहा है प्लस का, फिर से थर्ड नंबर वाले प्लस के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे थर्ड नंबर प्लस के ऑप्शन पे क्लिक करना, फिर से आपको बैक टू लाइब्रेरी पे क्लिक करना। सामने यहाँ पर बहुत सारे इफेक्ट आ जाएंगे डीजे के, तो आपके हिसाब से किसी भी आप इफेक्ट को यहाँ से ले सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर पीच पे, इस पर आपके हिसाब से किसी भी इफेक्ट को ले सकते, जैसे कि मैं ये वाला इफेक्ट ले लेता हूँ, इस पर क्लिक कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ से यूज़ पे क्लिक कर लेता हूँ। जैसे यूज़ पे क्लिक कर लोगे देख सकते हैं ये वाला इफेक्ट आ चुका है। तो इसको आप यहाँ से आप इसको बढ़ा भी सकते, जगह लगाना चाहते हो उस जगह पर लगा सकते हो। इस प्रकार से आपको बहुत सारे ऑप्शन, सात प्लस का ऑप्शन दिख रहा है, सात प्लस के ऑप्शन पर आप अपने हिसाब से आप अलग अलग जगह पर अपने हिसाब से इफेक्ट लगा लेना है गाने में। तो गाइस ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं सभी पे इफेक्ट लगाकर आपको नहीं दिखाऊंगा, आपके हिसाब से आप लगा लेना है। उसके बाद गाने को अच्छे तरीके से आपको यहाँ से मिक्सिंग करके आप यहाँ से सुन भी सकते हो। आपको इसको डाउनलोड करने के लिए आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिख जाएगा, सिंपली इस फाइल पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे फाइल पर क्लिक करोगे उसके बाद आप इस गाने का क्या नाम रखना चाहते हो, इस फाइल का उस नाम को आप यहाँ पर दे भी सकते हो, एंड कुछ भी आपके हिसाब से यहाँ पर दे लिख सकते हो फाइल का नाम। MP3 में आपको एक क्लिक कर लेना, जैसे कि आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिख रहा है, उसके बाद सेव प्रोजेक्ट, इस पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप सेव प्रोजेक्ट पर क्लिक करोगे ये वाला दिख आपके सामने ये वाला डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर आप दिख रहा है सक्सेसफुली, यानी कि डाउनलोड हमारे फ़ोन में डाउनलोड हो रहा है। डाउनलोड होने के बाद आप अच्छे तरीके से आप गाने को, गाइस आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूले। और गाइस अगर आपको पार्ट टू चाहिए इसका अच्छे तरीके से मिक्सिंग करना पूरा, तो आप कमेंट करके जरूर। और गाइस अगर इस वीडियो पर 100 लाइक आ जाएंगे तो मैं इसका पार्ट टू जरूर से लाऊंगा। तो मिलते हैं इंटरेस्टेड वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।